हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं पेंट्रा वाउचर के बारे में कि पेंट्रा वाउचर होता क्या है, इसका उपयोग किस किस कंडीशन में कब किया जाता है, वह आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो देखिए, मैंने पिछले क्लासेस में पढ़ाया था रिसिप्ट वाउचर के बारे में कि रिसिप्ट वाउचर का उपयोग क्या है, कब किस कंडीशन में किया जाता है, और आज का मेन टॉपिक है कंट्रा वाउचर। और कंट्रा वाउचर के लिए शॉर्टकट की जो दिया है वह दिया है फोर बटन, ध्यान देना। कंट्रा वाउचर और कंट्रा वाउचर के लिए जो शॉर्टकट की वो दिया है A4, क्लियर है। अब बताया क्या जा रहा है कि किसी बिजनेस के अंदर कैश और बैंक के बीच, ध्यान देना, किसी बैंक के अंदर कैश और बैंक के बीच होने वाले इंटरनल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कंट्रा वाउचर का प्रयोग किया जाता। यह एक अकाउंटिंग वाउचर है जिसकी शॉर्टकट की F4 होता है। और कंट्रा वाउचर में चार प्रकार के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जा सकता है, किए जा सकते हैं। अब कैसे तो समझने की कोशिश करना, मतलब यह यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि यह हमारा, ध्यान देना, यह हमारा बिजनेस है। क्या है जी? बिजनेस है। और जो हमारा बिजनेस है, मेरा बैंक अकाउंट है SBI में, CBI में, PNB में, तीनों में या किसी एक में, तो बैंक अकाउंट हमारा ही है ना। यार खाता हमने खुलवाया तो बैंक हमारा नहीं है, अकाउंट जो है हमारा है। तो जब अपने ही अकाउंट में हम लोग पैसा जमा करें या पैसा निकालें या अपने ही बैंक से किसी अपने ही दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करें, तो ऐसे कंडीशन में बोला जाता है उन सभी क्वेश्चन को रिकॉर्ड करेंगे कंट्रा वाउचर। मतलब मेरा व्यापार है और मैं दौड़े दौड़े गया बैंक में और बैंक से पैसा निकाल लिया, तो बैंक से पैसा निकाला तो किस किस वाउचर में रिकॉर्ड होगा? कंट्रा वाउचर में। मैं दौड़े दौड़े गया और बैंक में पैसा जमा कर दिया तो किसमें रिकॉर्ड हुआ? कंट्रा वाउचर में। चलो, अपने बैंक से किसी अपने बैंक में पैसा क्या किया हमने? ट्रांसफर कर दिया, तो कौन सा वाउचर होगा? कंट्रा वाउचर। और अपने एक ब्रांच से किसी उसी दूसरे ब्रांच में हमने पैसा ट्रांसफर कर दिया, वह होगा कंट्रा वाउचर। समझे? मतलब आपसी जो लेन देन होगा किसके किसके बीच? बैंक और उस बिजनेस के बीच, ठीक है। और कई सारे बैंक हो सकते हैं, उसके कैश आ सकता है, लेकिन यह माइंड में सेट कर लेना कि अगर बैंक से किसी को पेमेंट कर दे रहे हैं, उसी बैंक से पैसा रिसीव कर ले रहे हैं, तो यह कंट्रा वाउचर में रिकॉर्ड नहीं होगा। मतलब हम किसी को बैंक से SBI से पेमेंट कर सकते हैं ना जी, कि नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे ना, इसको पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। बैंक से कोई पैसा हमको दे दिया तो रिसीव करेंगे नहीं? पैसा रिसीप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। मतलब जब किसी को देंगे किसी को, ठीक है, या कि किसी से लेंगे तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब बैंक और हमारे व्यापार के बीच आपसी लेन देन होती है तो ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया था किसमें? कंट्रा वाउचर में। समझा?
चलिए अभी इस पे क्वेश्चन समझेंगे तो और बेटर तरीके से समझ में आएगा, एक एक करके आप आसानी तरीके से काम कर ले जाएंगे और क्वेश्चन रिकॉर्ड कर ले जाएंगे। देखिए अगला क्या पॉइंट बताया जा रहा है कि कंट्रा एंट्री कैन बी एंटर इन द फॉलोइंग मोड्स। दो मोड इसके भी है, डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड। कौन कौन सा मोड है? डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड। क्लियर है? अब डबल एंट्री मोड क्या होता है, सिंगल एंट्री मोड क्या होता है, ये भी मैंने पढ़ाया था आपको। बस आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे इसी पे। देखो यही लिखा है, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, फंड ट्रांसफर, कैश ट्रांसफर, दिखा ना आपको, ये सभी जो हमारे ट्रांजेक्शन इसी में जाएंगे। चलो इसी पे क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? एज ऑन 2 अप्रैल 2021 डिपोजिटेड कैश ऑफ रुपीज 2 लाख इनटू SBI करेंट अकाउंट। मतलब 2 अप्रैल को हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, कितना रुपया? 2 लाख रुपया। तो आप बताइए क्या इसका सलूशन बनेगा, किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे, बताइए। अब देखो ये मेरा व्यापार है और यह बैंक है। अब बैंक में हम कैश जमा कर रहे हैं, कैश जमा कर रहे हैं तो कैश का अकाउंट बनेगा, बैंक में जमा कर रहे हैं तो बैंक का अकाउंट बनेगा। बैंक कौन से अकाउंट है? पर्सनल। कैश कौन से अकाउंट है? रियल। तो कैश हमारे व्यापार से जा रहा है ना, इसलिए इसको क्या करेंगे? क्रेडिट। और बैंक बोलो पाने वाला है, इसलिए डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसी को हमको रिकॉर्ड करना है। अब कैसे रिकॉर्ड करना है, यहाँ पे दिया है, चलिए हम लोग डायरेक्टली करके देखते हैं, आपको भी समय आएगा, आप आसानी तरीके से काम कर ले जाएंगे। अब इसके लिए वाउचर ओपन करना होगा ना, कौन सा वाउचर? टैली को ओपन करते हैं। देखिए हम क्वेश्चन छोड़े ना, कैसे बैलेंस मैच करा दो, जितना क्वेश्चन किए उतना किए हम, जितना हम किए उतना किए। तो ट्रायल क्या हुआ? ट्रायल नहीं, ट्रायल वाले हैं तो बैलेंस नहीं, कहाँ दोनों के लिए मैच कराओ? दोनों एक जगह नहीं सर, जैसे टायर बैलेंस मतलब दोनों का बैलेंस हाँ आए, ठीक नहीं है। मतलब अब एसेट्स तो नहीं मेंशन किए हुए, नहीं आए, जो क्वेश्चन किया हुआ चेक है। कराओ। क्वेश्चन किया है तेल का वहाँ, अरे तो ट्रायल बैलेंस चेक किया जाता है, एक्यूरेसी चेक करते हैं, क्या बैलेंस में चले जाओ, बैलेंस की बैलेंस बात में लाइबिलिटी और एसेट्स और कैपिटल चेक करते हैं, हर जगह जाओगे ट्रायल बैलेंस में। जितना अकाउंटिंग क्वेश्चन किया, लेजर का समरी देखना हो तो उसके लिए हमेशा ट्रायल बैलेंस से चेक करते हैं, ठीक है। और सही सही किए तो बैलेंस इक्वल आएंगे दोनों, डेबिट साइड वाला और क्रेडिट साइड वाला। वो दोनों इक्वल आ रहे थे हमारे गाने के मतलब ये है, बाय सीट का इतना बाय देता अरे यार ट्रायल बैलेंस ही बनता कर रहा, छाट उठ के सब, इसमें जितना क्वेश्चन किए रहेंगे सब आएगा, खाली है ऐसा। पैसों मैच कराना है। हाँ जो डाउट हो मुझे पहले पूछिए तो लास्ट में पूछिए, आने तो जो पढ़ा रहा हूँ उसमें डाउट है पूछो, अभी हो जाएगा जी। अब चलिए क्वेश्चन रिकॉर्ड करें, इसके लिए कहाँ आएंगे? वाउचर में। कहाँ पे आएंगे? वाउचर में। वाइट पर कौन सा वाउचर है? पेमेंट वाउचर। क्या है? पेमेंट वाउचर। तो हमको कौन से वाउचर में जाना है? कंट्रा वाउचर। तो क्या दबाएंगे? F4 बटन। कंट्रा वाउचर ओपन हो गया। अब देखिए इसमें 3 ही लेजर ही दिख रहे हैं, कैश और बैंक और बैंक, इसके अलावा कोई लेजर दिख रहा है क्या? नहीं, लेजर तो बहुत बना है जी, क्योंकि इसमें कैश और बैंक से रिलेटेड ही क्वेश्चन किए जाते हैं, इसलिए 300 हो रहे हैं। देखो अभी मैं F5 बटन दबा दू तो देखो इतने लेजर दिख रहे हैं, या F6 बटन दबा दू तो इतने लेजर दिख रहे हैं, समझे? लेकिन F4 बटन दबा दू तो
3 हजार दिख रहे हैं, क्योंकि कैश और बैंक के बीच ट्रांजेक्शन जो सबसे ज्यादा जो होता है वह किसे होता है? कंट्रा वाउचर से। तो आप बताइए क्या आया है यहाँ पे? क्रेडिट। क्या बाबू? क्रेडिट। अब क्रेडिट किसको करना है? कैश को। कितने रुपए से बताओ? कितना पड़ा हुआ मेरे पास? 25,52,945। तो पैसा घटेगा बढ़ेगा? बोलो तो। जब हम बैंक में जाएंगे दौड़े दौड़े पैसा जमा कर देंगे, और मेरे पास है 500 रुपया और 200 जमा कर देंगे तो 700 रुपया हो जाएगा। बोलो 500 से कितना हो जाएगा? 300 रुपया हो जाएगा। तो 25 लाख रुपया है और 2 लाख जमा कर दे रहे हैं तो 27 लाख हो जाएगा। कैसे हाल है आप लोग की जी? बहुत अच्छे से पढ़े हो। घट जाएगा 25 लाख है, 23 लाख हो जाएगा। देखो क्लियर है? पैसा कहाँ बढ़ेगा? बैंक में बढ़ेगा। बैंक में अब 4 हजार है तो 2 लाख जमा कर दे, 2 लाख 4 हजार हो जाएगा। कैश तुम्हारा घटेगा ही ना। बोलो जी। डेबिट करें किसको? SBI करेंट अकाउंट को। देखो 4,40,500 हो गए, समझे? पहले बहुत कम था, कितना था? 2,40,500 था, अब कितना हो गया? 4,40,500। इंटर। अब बताइए बैंक में जाते तो पूछा जाता है ना, पैसे जमा करते हैं तो कितने का कितना नोट? इसमें भी देखो बना के दिया है, पूछा जाता है कि 2,000 का कितना, 500 का कितना, 200 का कितना, 100 का कितना, 50 का कितना, 20 का कितना, 10 का कितना, सब दिया है। तो क्या करें? बोलिए। तुमने बोला 50 है, 1 लाख, 500 का 200, 2 लाख आ गया। अरे जितना जितना जिसका नोट भरेंगे ना तब अमाउंट मिलाते कि नहीं मिलाते, बराबर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए इंटर, एक्सेप्ट, बस क्वेश्चन सही हो गया। हो गया बाबू? ये पहला क्वेश्चन ने बताया आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है? देखिए यही लिखा गया कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करके दिखाए हमको। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या मतलब है समझा करो। देखो कहा जा रहा है 2 अप्रैल को क्या कर रहे हैं? 20,000 ट्रांसफर कर रहे हैं। राम किससे? SBI करेंट से, SBI ओडी में। तो आप बताइए SBI करेंट पर्सनल अकाउंट, ओडी पर्सनल अकाउंट, अब बस यही तो लगाना है कौन पाने वाला कौन देने वाला। SBI करेंट से ट्रांसफर हो रहा है मतलब ये देने वाले हैं, इसीलिए क्रेडिट कर देंगे। और कहाँ पे जा रहा है? ओडी में, ये पाने वाले हैं तो डेबिट कर देंगे। इतना सिंपल है यार, इतना इतना छोटा क्वेश्चन नहीं करोगे तो कैसे तुम कहीं काम करोगे? इसी को रिकॉर्ड करना है तो सिंपल है, आ जाते हैं टैली में और क्या लेंगे? SBI करेंट अकाउंट पड़ा है 4,25, लेकिन जमा कितना कर रहे हैं? 20,000, तो 4,05,500 हो जाएगा। SBI ओडी अकाउंट। अब बताओ ओडी का बैलेंस घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। 3,13,000 था, अब जमा कर देंगे लोन में अब क्या हो जाएगा? घट जाएगा, अब आ जाएगा 2,93,000। अब तो कहाँ लोन था ये हमको दिखाइए, तो पढ़ाया था हमने ना। बैक आ जाते हैं बैलेंस शीट, अल्ट प्लस F1, 3,13,000 का था,
जमा करेंगे तो घटेगा बढ़ेगा? घटेगा। आ जाते हैं बैंक वाउचर, SBI करेंट, कितना? 20,000। SBI OD बस, और 13 से माइनस हो जाएगा तो उस OD ले लेंगे, 2,93,000 बचेगा। 13 उधर और 7 इधर, बोलो। वही एडजस्ट करके बता रहा है कि अभी भी ओडी में कितना पैसा है। जी इतना अभी हमको देना है, लोन है, सेव हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग दिमाग लगाओ तो ना, लगाते है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और सेटिंग सीखते हैं। 4 क्वेश्चन में बताया ना, अब बैक आएंगे 3। चलिए एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं आपको, समझना। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो बना के दिखा दो सभी लोग सही। अन्य तरीके से कर ले जाओगे, टैली में आएगी, वाउचर में आएगी, और कैश। तो देखो 23 लाख पड़ा है, उसमें 50,000 जमा कर दे रहे हैं बैंक में, बस कम हो जाएगा। SBI करेंट अकाउंट में 20,000, 10 नोट है, और SBI OD में 32,000 आ गया, और भी कम हो गया। 30, 93 रुपया था, 93,000 था, और तो देखो 63 आ गया, कम हो गया, और जमा कर देंगे खत्म। बस इंटर कितना था? 15 नोट था इसका। सिर्फ ऐसे बनाना है आप लोग को, फिर भी आप लोग नहीं बना पा रहे, बहुत बड़ी दिक्कत है आप लोग की। इतना कर लोगे? बोलो। तो यह आप लोग एक एक करके इस्तेमाल करिएगा, देखिएगा कि मैंने 4 तक बता दिया। अगला क्या है? 2 क्वेश्चन और है, दिख रहा आपको ना? ये आप लोग दिमाग लगाना, नहीं लगा पाओगे तो हम कल बताएंगे।